Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on photoelectric effect. तो lectures के बाद numericals का क्रम जारी है, तो इस वीडियो में भी हम एक question discuss करेंगे जो काफ़ी important है BSc के point of view से भी और आगे entrance वगैरह आप देते हैं उसके भी point of view से. तो चलिए देखते हैं question. Question है, the wavelength of photoelectric को threshold ऑफ मेटल इज 23 एंगस्ट्रॉम. तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ हमें पता है, वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशहोल्ड. तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा नॉट से. तो ये हमें गिवन है 2300 एंगस्ट्रॉम. तो किसी मेटल का थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ 2300 एंगस्ट्रॉम है. डिटरमाइन फर्स्ट वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकेंड इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो पहला क्वेश्चन हमें बताना है वर्क फंक्शन. वो वर्क फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन ईवी में, ये बताना है. और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मैक्स हमें चाहिए. ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम. तो उस लाइट के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा जिसकी वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम. तो जो एक्सरे फोटोन है या अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम, यानी ये एक तरह से लेमडा की वैल्यू दी हुई है 1800 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला वर्क फंक्शन और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है W इक्वल एच न्यू नॉट. यही हमारा क्या है, वर्क फंक्शन. क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं एच और न्यू हो जाएगा सी अपॉन लेमडा नॉट. तो एच होता है 6.6 प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू 10 पावर माइनस 34 और ये होगा 3 × 10^8. और लेमडा नॉट की वैल्यू दी हुई है 23, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 2.3 × 10^-7 मीटर में. है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2.3 × 10^-7 मीटर. मीटर में इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो MKS में होना चाहिए. तो सारी चीज़ें यहाँ मीटर में है, ये जूल सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड है. तो जो वर्क फंक्शन आएगा वो हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और ये हो जाएगा 19. ठीक है, और 10 का पावर माइनस करेंगे तो 10^-26 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10^+7 और अपॉन में 2.3. ठीक है, और इससे अगर हम माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 10^-19. तो पावर माइनस हो गया. तो ये जो अब आंसर आ रहा है हमारा वो किस टर्म में आ रहा है, ये एक तरह से जूल में आ रहा है, लेकिन हमें आंसर बताना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो हम जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 × 10^-19 जूल के बराबर होता है. तो अगर हम 1 जूल निकालेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/1.6 × 10^-19 से. तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 19.89 × 10^-19 अपॉन 2.3 और ये भी आ जाएगा 1.6 × 10^-19. ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये पावर है कैंसिल हो रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 19.89 अपॉन, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3.68. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना ही आएगा. ठीक है,
तो डिवाइड करेंगे फिर इसको हम, तो लगभग 6 या 5 आएगा या 5 पॉइंट समथिंग, क्लियर। अगर राउंडिंग हम करना चाहें तो 3 6 18 होता है, ठीक है, तो लगभग 6 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो लगभग डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ रहा है कुछ 5.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो वर्क फंक्शन हमें मिल गया 5.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक आंसर हमारा हो गया 5.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमें बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो आइंस्टीन का इक्वेशन हमने पढ़ा था वो ये था कि h nu naught प्लस ई के मैक्स, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था। तो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन वी कैन राइट दिस, तो ये हो जाएगा ई के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या सिंपली चाहें तो हम इसको वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ है, यही वर्क फंक्शन। अब एच न्यू हमें कहाँ से मिलेगा, एच न्यू हम न्यू को लिख सकते हैं सी वाई लेमडा और माइनस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पहले से पता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³⁴ इंटू 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा क्या है 1800 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁷। और यहीं पे हम चाहें तो जैसे हमारा वर्क फंक्शन जो पता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बतानी है, और ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स में हम एनर्जी जो बताते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या के वी या एम ए वी, बहुत ज़्यादा होगा टी वी, इसी में बताते हैं, या जी वी। तो एनर्जी हम इसी टर्म में बताते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे भी या ना भी पूछे तो हम लगभग इसी टर्म में बताते हैं। यहाँ हम कार्य फंक्शन या काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में नहीं बताते जनरली। तो ये माइनस आ रहा है 5.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो यहीं पे हम डिवाइड कर लेंगे 1.6 × 10⁻¹, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 3 6 9, और ये हो जाएगा 8 19 × 10⁻¹, ये हो जाएगा 26, ठीक है। और ये 19 और 7 मिलाएंगे, ये भी 26 हो जाएगा, नहीं 8 से 26 ये भी होगा और 26 ये भी आ रहा है, तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो इसको हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, सिंपली ये हो गया 19.89 अपॉन ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर 12 2.88, ये आएगा 19.89 अपॉन 2.88, तो ये लगभग 3 है, और ये लगभग 19.89 5.04, ये दोनों वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है कुछ, तो डिवीज़न आप कर सकते हैं, ये आएगा लगभग 6.9 के आसपास, 6.9 क्योंकि ये अराउंड 20 है और ये 3 है, तो 6.9 × −5.04 ये हमें फाइनली मिल जाएगा। क्लियर, सो 1.86, ये 5.4 था ना 04, ये 5.4 आएगा, तो यहाँ भी 5.4 होगा हर जगह, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा सिंपली
1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा दूसरा आंसर। तो ई के मैक्स मेरा हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आंसर यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऐसे, तो वर्क फंक्शन निकालना और देन वो इसके बाद कभी कभी वेलोसिटी का टर्म भी पूछता है, तो इसी क्वेश्चन में बता देते हैं कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो वेलोसिटी वाला टर्म भी बड़े आराम से हो जाएगा अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है इतना। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम उसको इसी से हम इंक्लूड करके बता देते हैं। जब वेलोसिटी हमें निकालना होगा तो सिंपली हम निकाल लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है। तो के ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो बड़े आराम से हम यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन एम, ऐसा। या इसको हम सिंपली ऐसा लिख लें, 2 ek मैक्स अपॉन स्मॉल एम। तो इस फॉर्मूले को भी माइंड में रखिए, इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता था या अदर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एक तो ये है क्वेश्चन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन कॉपर गिवन है 1.1 × 10⁻¹⁵. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट हमें पता है 1.1 × 10⁻¹⁵ सेकेंड। सो फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहेंगे यहाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मीन्स न्यू इक्वल टू 1.5 × 10⁻¹⁵ नहीं प्लस होगा, सो जस्ट 10⁻¹⁵ सेकेंड माइनस वन फॉल्स ऑन द कॉपर सरफेस। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर कॉपर सरफेस पे पड़ती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.1 × 10⁻¹⁵ सेकेंड। ये होगा प्लस होगा, यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, प्लस 15, ठीक है। क्योंकि आवृत्ति एक नंबर होता है तो वो कभी भी माइनस में नहीं होगा जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और दूसरा बताना है आल्सो कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल। सो रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स हमें बताना है क्या, यहाँ पे हम वी नॉट लेते थे अगर हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम वी नॉट लेते थे, तो हमें वी नॉट बताना है। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो एक तरीके से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही था, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि वो पोटेंशियल था जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अप्लाई होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी रखता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है वो कितनी एनर्जी रखेगा, इतनी एनर्जी रखता है। तो अगर हम ये निकाल लें, और ये हम कहाँ से निकालेंगे, ये सिंपल हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पता है। अगर हम एच कॉमन कर लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट दोनों वैल्यू यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे आराम से हम पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा ये, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमें करना पड़ेगा लास्ट में। तो जो वैल्यू आएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें बताती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी। तो
तो अगर हमें वी नॉट पोटेंशियल लगाना पड़ता है उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो एनर्जी के रूप में कितना लगाना होगा? तो एनर्जी के रूप में हमें उतना ही ई वी नॉट लगाना होगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा, ये हम छोड़ रहे हैं, अपने से सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 1.655। इसका आंसर आ रहा है 1.655 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का आंसर यही है, ये आप खुद से निकालेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा